नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट नंबर 9। 8 पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जो सभी टेक्नीशियन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ग्रुपों पर, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर पर सलोटे होती है, आर्मेचर पर सलोटे कैसी होती है? ऑप्शन ए टेढ़ी, बी है उल्टी, सी है सीधी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर पर सलोटे कैसी होती है, टेढ़ी उल्टी सीधी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेढ़ी। क्या होती है? टेढ़ी, इन्हें तिरछी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तिरछी। इस प्रकार से होती है सलोटे। अगला क्वेश्चन है, ब्रश स्थापित किए जाते हैं, ऑप्शन ए ज्यामितीय उदासीन अक्ष के लंबवत, बी है चुंबकीय उदासीन अक्ष के लंबवत, सी है जीएनए में, डी है एमएनए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएनए में, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष में। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष। एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? चुंबकीय उदासीन अक्ष, जिसे मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके चुंबकशीलता निर्वात से भी कम होती है वे क्या कहलाते हैं? परमेबिलिटी निर्वात से भी कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबक लौह चुंबकीय पदार्थ, बी है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सी है अणुचुंबकीय पदार्थ, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो इनकी चुंबकशीलता निर्वात से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऑप्शन ए ओम, बी है ओम मीटर, सी है महो, डी है एम्पियर। तो कौन सा करेक्ट होगा चौथे नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु भार सबसे कम होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी है कार्बन, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। तो किसका परमाणु भार सबसे कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, चालकता किसके विलोमानुपाती होता है, कंडक्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस के, बी है इंडक्टेंस के, सी है कैपेसिटेंस के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चालकता किसके विलोमानुपाती होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, किसके? प्रतिरोध की। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट होती है, आर्क वेल्डिंग परिणामित्र की आउटपुट क्या होती है? ऑप्शन ए निम्न वोल्टेज उच्च धारा, बी है उच्च वोल्टेज निम्न धारा, सी है निम्न वोल्टेज निम्न धारा, डी है उच्च वोल्टेज उच्च धारा। तो क्या होती है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आउटपुट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वोल्टेज उच्च धारा। क्या होगा? निम्न वोल्टेज और उच्च धारा, अर्थात यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गली मोहल्लों में लगे पोल का स्टे वायर के साथ कितने कोण पर होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री पर, बी ए 45 डिग्री पर, सी ए 90 डिग्री पर, डी ए 120 डिग्री पर। तो पोल पर स्टे वायर कितने डिग्री पर लगा होता है?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पर, यह इस प्रकार से लगा होता है स्टे वायर, स्टे वायर इस प्रकार से लगा होता है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? ऑप्शन ए रैखिक, बी है अरैखिक, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरैखिक। कैसा होता है? अरैखिक, नॉन लीनियर। क्या कह सकते हैं? नॉन लीनियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी है 4, सी है 6, डी है 8। तो ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, एससीआर को ऑन करने हेतु आवश्यक धारा होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को ऑन करने हेतु आवश्यक धारा होती है। ऑप्शन ए होल्डिंग, बी ए ट्रिगर, सी ए संधि, डी ए इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को शुरू अर्थात स्टार्ट करने के लिए कौन सी धारा की आवश्यकता होती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिगर धारा। क्या होगी? ट्रिगर धारा। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में प्लेटें किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए रोल्ड जिंक कॉपर मिश्र धातु, बी है छिद्र युक्त जिंक कैडमियम धातु, सी है एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बनी होती है लेड एसिड बैटरी में प्लेटें? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीमोनियम लेड मिश्र धातु की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आयताकार कंटेनर में उपस्थित भाग है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट, बी है सेपरेटर, सी है पलेटे, डी है उपरोक्त सभी। तो आयताकार कंटेनर में क्या क्या उपस्थित होते हैं इन ऑप्शनों में से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, सेपरेटर भी होता है, पलेटे भी होती है, अर्थात तीनों ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एच किस राशि की इकाई है? एम्पियर हावर किस राशि की इकाई है? ऑप्शन ए विद्युत धारा का सामर्थ्य, बी ए शक्ति, सी ए ऊर्जा, डी ए विद्युत मात्रा। तो किसकी इकाई है एम्पियर हावर, जिसे एम्पियर हावर को एम्पियर घंटा भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एम्पियर घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत मात्रा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का कार्य क्या है? इंटरपोल्स का कार्य क्या है? इंटरपोल्स को आप अंतरा ध्रुव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतरा ध्रुव। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मोटर की स्पीड बढ़ाना, बी ए काउंटर ईएमएफ कम करना, सी ए आर्मेचर धारा को डीसी में बदलना, डी ए कम्यूटेटर की स्पार्किंग कम करना। तो क्या काम होता है इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर की स्पार्किंग को कम करना होता है इंटरपोल का मुख्य कार्य, इसका अंतरा ध्रुव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटर की सुरक्षा करना, बी है सर्विस लाइन को बचाना, सी है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सुरक्षा के लिए, डी है ऊर्जा मीटर की सुरक्षा के लिए। तो किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिशियन का बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस लाइन को बचाना ही मुख्य कार्य होता है एरियल फ्यूज का सर्विस कनेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मैगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? मैगर की घूर्णन क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 80 आरपीएम,
बी है 120 RPM, सी है 160 RPM, डी है 180 RPM। तो कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 RPM। अगला क्वेश्चन, चल कुंडली यंत्र मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रभाव पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय, बी है स्थिर विद्युत, सी है उष्मीय विद्युत, डी है रासायनिक। तो किस प्रभाव पर कार्य करते हैं मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय। किस पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? इस संचरण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? पारेषण लाइन में। क्या कहते हैं? पारेषण लाइन में झोल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए स्पान लंबाई पर, बी है चालक के भार पर, सी है चालक में तनाव पर, डी है उपरोक्त सभी पर। तो किस पर निर्भर करता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, स्पान लंबाई पर भी, चालक के भार पर भी और चालक के में तनाव पर, तीनों पर ही निर्भर करता है झोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 220 kV संचरण लाइन के फेज चालकों के मध्य गैप लगभग कितना होता है? जब दो चालक इस प्रकार से होते हैं तो इनके मध्य गैप कितना होता है? ऑप्शन ए 2 मीटर, बी है 4.5 मीटर, सी है 6 मीटर, डी है 7.5 मीटर। तो 220 kV संचरण लाइन के दो फेजों के मध्य, जैसे दो फेज है, एक ही है, एक ही है, ये लाइन जा रही है, तीन फेजों की लाइन है, तो इनके बीच में मध्य गैप कितना होगा? ये गैप कितना होगा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 220 kV की संचरण लाइन में दो फेजों के मध्य कितनी गैप होना चाहिए? 6 मीटर का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक यू।